हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेटा क्वेश्चन है ए पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन सिस्टम। बेटा स्ट्रेट लाइन आपको पता है 3x plus 5y equal to 15 व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा जो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। बेटा अगर मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन बेटा आप नॉर्मली बेटा कोई भी एक्सिस ड्रॉ करोगे बेटा बेटा कोई भी लाइन है आपके पास बेटा अगर मैं इस लाइन के ऊपर बेटा कोई भी पॉइंट यूज करता हूं बेटा इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर बेटा इस लाइन में बेटा अगर मैं वैल्यू ऑफ कोई भी बेटा जनरल पॉइंट यूज करता हूं बेटा अगर मैं वैल्यू ऑफ एक्स के अज्यूम करता हूं बेटा अगर वैल्यू ऑफ एक्स बेटा के अज्यूम करोगे बेटा बेटा अगर मैं वैल्यू ऑफ एक्स बेटा यहां पे के लिखते हैं तो वैल्यू ऑफ वाई बेटा आपके पास आ जाएगी। वैल्यू ऑफ वाई बेटा 15 माइनस 3k अपॉन बेटा 2 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा बेटा मैं इसे शिफ्ट करूंगा अपॉन 5 बेटा ये टर्म आपके पास 15 माइनस 3k बाय 5 हो जाएगा बेटा 15 माइनस 3k होल डिवाइडेड बाय 5 15 माइनस 3k होल डिवाइडेड बाय 5 बेटा ये हमारे पास कोई भी पॉइंट हो गया बेटा ये पॉइंट है बेटा अगर ये दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है बेटा देखो गिवन है which is equidistant from the coordinate axis, जो क्या coordinate axis से equal distance के ऊपर है, बेटा means equal distance मतलब बेटा जो हमारा ये x है and y है, बेटा ये दोनों distance same है, बेटा ये वाला distance और ये distance, distance from x axis and distance from y axis same है, बेटा अगर distance same है मतलब बेटा इस term का जो distance है, distance from y axis is k, बेटा जो distance of y axis है बेटा वो k है, बेटा ये वाला part, and distance from x axis बेटा ये वाला distance है मतलब y 15 माइनस 3k बाय 5 बेटा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए आप मॉड यूज पॉजिटिव रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड यूज नाउ बेटा ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा इसलिए मॉड यूज किया बेटा इससे अगर आप मॉड हटाओगे आपके पास नंबर प्लस माइनस यूज कर दोगे प्लस माइनस बेटा किसी भी तरफ यूज कर दो प्लस माइनस बेटा इस टर्म से आपके पास वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट हो जाएंगी बेटा प्लस माइनस है इसलिए डबल वैल्यूज आएंगी means बेटा किस तरह डबल वैल्यूज आएंगी 5k is equal to 15 minus 3k बेटा आपके पास जो टर्म बन जाएगी बेटा डबल वैल्यूज के लिए बेटा बेटा 5k is equal to 15 minus 3k and 5k minus 5k is equal to 15 minus 3k बेटा ये नंबर आ जाएगा k is equal to 15 upon 8 बेटा हमारे पास री शिफ्ट हो जाएगा k is equal to 15 by 8 and बेटा अगर इस टर्म से करेंगे शिफ्ट minus 2k is equal to 15 बेटा k is equal to minus 15 upon 2 बन जाएगा बेटा k की हमारे पास दो वैल्यू आ गई बेटा k डबल आंसर आ गया मतलब बेटा x के आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा k 15 by 8 and k minus 15 by 2 बेटा इस टर्म को इफ बेटा k 15 by 8 है बेटा इसे आप इस टर्म में पुट करोगे मतलब वैल्यू ऑफ एक्स बेटा दिस टर्म इज वैल्यू ऑफ एक्स आ गया बेटा आपके पास 15 बाय 8 बेटा इसे आप यहां पे पुट करोगे वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इंटू 15 बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 5 बेटा आप इसमें पुट करोगे 15 बाय 8 बेटा अगर आप पुट करोगे तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा वाई की वैल्यू बेटा 15 बेटा ओनली 15 आंसर बन जाएगा बेटा इसे आप सॉल्व कर दो बेटा आपका आंसर सिमिलरली बेटा अगर आप एक्स के कोऑर्डिनेट बेटा माइनस 15 बाय 2 पुट करोगे बेटा अगर आप इसी इक्वेशन में सेम बेटा इसी टर्म में बेटा आप वैल्यू ऑफ टर्म बेटा माइनस 15 अपॉन 2 पुट करोगे बेटा आपके पास जो वैल्यू ऑफ वाई आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपके पास बेटा इसे सॉल्व करोगे 30 45 बेटा ये नंबर जो आपके पास बन जाएगा बेटा दिस टर्म इज 5/2 आ जाएगा बेटा बेटा दोनों टर्म्स देखो बेटा जो हमारे पास बेटा वैल्यूज आई हैं वैल्यूज चेक करते हैं बेटा जो इसमें कोऑर्डिनेट्स आए हैं बेटा k मींस x कोऑर्डिनेट एंड सॉल्व करके भी आया बेटा बेटा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है बेटा दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा बेटा 15 बाय 8 पुट करोगे तो 15 आएगा एंड बेटा सेकंड कोऑर्डिनेट है माइनस 15 बाय 2 पुट करोगे देन आंसर 5/2 है बेटा ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए बेटा अगर बेटा दो कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर सकते हो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बेटा
फर्स्ट सेकंड फोर्थ में नहीं पॉसिबल बेटा, फोर्थ में नहीं पॉसिबल बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड में पॉसिबल है बेटा। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, मींस बेटा ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर है बेटा, ऑप्शन बी। थैंक यू।